तो एक और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, करना क्या है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते रहना, हर चीज सही आएगा, एकदम करेक्ट आंसर आएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। ठीक, अब देखो स्टार्टिंग से रीड करते हैं, क्या है पी, पी क्या है, एक पी मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है इंट एक्स, पी के अंडर में एक वैल्यू क्या है, एक वेरिएबल क्या है, इंट एक्स है। ठीक, इंट एक्स स्टैटिक इंट वाई इक्वल टू सिक्स, स्टैटिक मिल गया, मतलब क्या है, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर यहां देखकर क्या करना है, कंपाइलर स्टैटिक जैसे ही दिखेगा यहां पर y इक्वल टू सिक्स, एक ग्लोबल वेरिएबल यहां पर मेमोरी एलोकेशन कर देगा स्टेटिक एरिया में y इक्वल टू सिक्स कर दिया, ये कौन क्या, कंपाइलर किया। इसके बाद देखेंगे क्या, इफ x लेस देन इक्वल टू टू रिटर्न x ग्रेटर देन फोर, कुछ कंडीशन है रिटर्न, एल्स ये कंडीशन बस खत्म हो गया, कंपाइल हो गया। अब रन करवाना है, रन करना है कैसे भाई, एक इनपुट भी गिवेन है, एक इनपुट गिवेन है, इस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, इस इनपुट के अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, यही देखना है हम लोग को। एक पर्टिकुलर इनपुट गिवेन है, इनपुट है क्या, पी ऑफ एट, पी ऑफ इंटेक्स है ना, यहां पर एक्स का वैल्यू एट कर दिया, बस P of index है ना, x का वैल्यू को 8 बना दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर मान लो p के लिए, p फंक्शन के लिए एक लोकल वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, क्या x बना लिए, p के अंदर में है x, लोकल वेरिएबल है जिसका वैल्यू इनिशियली कितना है, 8 है, इनिशियली 8 है जो गिवेन है हम लोग के पास। ठीक, अब इसको रन करवाते हैं, p int x, x का वैल्यू 8 है, इसके आ गया है इफ स्टैटिक, देखेगा काम खत्म हो गया, प्रोसेसर कुछ नहीं कर रहा, जाना है कंपाइलर, कंपाइल टाइम में ही कर चुका है। ठीक, स्टैटिक वाले को छोड़ेंगे, आगे आएंगे क्या है, इफ x लेस देन इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 2 से कम है या इक्वल है, x लेस देन इक्वल टू 2, x का वैल्यू कितना है 8 है, ये कंडीशन सही है क्या, नहीं है कंडीशन सही। आगे आया है इफ x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 है क्या, हाँ x इक्वल टू 8 है, x ग्रेटर देन 4 है, तब करना क्या है, x ग्रेटर देन जब 4 रहे तो करना क्या है, रिटर्न y प्लस p ऑफ x माइनस 2, रिटर्न क्या करना है, y प्लस p ऑफ x माइनस 2, मतलब यहां क्या लिखेंगे, यहां पर क्या रिटर्न करना है, y प्लस p ऑफ x माइनस 2, x का वैल्यू अभी कितना है 8 है, x माइनस 2 हो गया, मतलब p ऑफ कितना हो गया, x माइनस 2, 8 माइनस 2, p ऑफ 6 हो गया, यहाँ वैल्यू रिटर्न हो गया। अब p ऑफ 6, फिर से p फंक्शन कॉल किया गया है, p कहाँ पर फंक्शन है, p यहाँ पर है कोड फंक्शन का, फिर से यहाँ कॉल करेंगे, एक तरह क्या है, एक तरह का रिकर्सिव टाइप का कॉल है, रिकर्सन हो रहा है, यहाँ भी p है अंदर में, फिर से कॉल हुआ है, अब टर्मिनेट कब करेगा देखेंगे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, p ऑफ 6 आया, फिर यहाँ पर आया इफ x लेस देन इक्वल टू 6 है जो लेस देन 2 है क्या, नहीं है, बाहर आया इससे, यहाँ क्या है इफ x ग्रेटर देन 4, 6 क्या ग्रेटर देन 4 है ना, हाँ ग्रेटर देन 4 है, तो क्या रिटर्न करना है, y इक्वल टू p, y रिटर्न y प्लस p ऑफ x माइनस 2, यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए क्या वैल्यू आ गया, इसके लिए आया फिर से y प्लस p ऑफ x माइनस 2, y प्लस p ऑफ x माइनस 2, यहाँ वैल्यू कितना है 6 है, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 आ गया। ठीक है, p4 फिर से यहाँ गए हम लोग, p4 में फिर से यहाँ गए, क्योंकि p फंक्शन है, p का कोड यहाँ पर ही लिखा है, यहाँ पर ही गए। ठीक है, बस सिंपल यही करना और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा देखना यही है क्या वैल्यू के लिए फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, उस फंक्शन कोड को हम रन करवा लेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन कोड को हम रन करवाएंगे, जो कंडीशन होगा, जो कंडीशन के अकॉर्डिंग रिटर्न वैल्यू है उसको हम रिटर्न करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो P4 का बात है, P4 में आए, यहां क्या देखें, P4 है, x का वैल्यू कितना है 4 है, इफ x लेस देन इक्वल टू 2,
एक्स लेस देन इक्वल टू है क्या, फोर लेस देन इक्वल टू है क्या, यहाँ फोर है, एक कंडीशन फॉल्स हो गया, इसके बाहर आए, यहाँ पर आए एक्स ग्रेटर देन फोर, ग्रेटर देन फोर है क्या, एक्स ग्रेटर देन फोर है क्या, नहीं ये भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो इस पार्ट में आए, यहाँ क्या करना है, वाई इक्वल टू वाई प्लस टू, वाई इक्वल टू वाई प्लस टू, वाई का वैल्यू कहाँ पर है, वाई का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है ना, सिक्स पहले से है, सिक्स प्लस टू करना है, मतलब कि यहाँ पर करना है क्या, एट करना है, यहाँ पर एट करना है, और रिटर्न क्या करना है, पी ऑफ एक्स माइनस वन, पी ऑफ एक्स माइनस वन, इसके लिए क्या रिटर्न हो गया, पी ऑफ थ्री, पी ऑफ थ्री रिटर्न हो गया, ठीक है। अब पी ऑफ थ्री के लिए पी है फंक्शन, फिर से रन करवाएंगे, फिर से यहाँ पर आएंगे, जितना बार फंक्शन आएगा उतना बार हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। पी ऑफ थ्री के लिए यहाँ पर आए, थ्री लेस देन इक्वल टू है क्या, नहीं है, थ्री ग्रेटर देन फोर है क्या, नहीं है, फिर से एक कंडीशन में आए, वाई इक्वल टू वाई प्लस टू, वाई प्लस टू एट है, तो फिर से यहाँ वो टेन बन गया, प्लस टू हो गया, रिटर्न क्या करना है, पी ऑफ एक्स माइनस वन, मतलब कि पी ऑफ थ्री के लिए क्या बन जाएगा, रिटर्न क्या करना है, पी ऑफ टू रिटर्न करना है, ठीक है। पी ऑफ टू आ गया, पी ऑफ टू आया, फिर से पी के कोड में हम जाएंगे, पी के कोड में आए, पी ऑफ कितना है, पी ऑफ टू आया है, यहाँ पर आए, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू, एक्स लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल तो इक्वल है, मतलब कि एक्स का वैल्यू टू है ना, टू लेस देन इक्वल टू टू, टू इक्वल टू टू, मतलब कि अगर इक्वल हो तो क्या रिटर्न करना है, रिटर्न वाई, वाई के वैल्यू को रिटर्न करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वाई के वैल्यू को रिटर्न करना है। अब देखो यहाँ पर आए, ये आपको फंक्शन आया क्या, रिटर्न रिटर्न वाई, रिटर्न वाई कर दिए, यहाँ पर पी आया क्या, नहीं आया, जितना बार पी आया हम एक्सपेंड करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, एट लास्ट यहाँ रुक गया, पी फंक्शन खत्म हो गया, मतलब कि पी फंक्शन है जो टर्मिनेट कर गया है। अब इसके वैल्यू पर हम आते हैं, वाई का वैल्यू है ना, वाई का अभी क्या वैल्यू है, अभी वाई का वैल्यू है टेन, मतलब कि यहाँ वाई के बदले में, वाई के बदले में वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ मिल गया टेन, टेन किसको रिटर्न हुआ, टेन यहाँ पर चला आया, यहाँ पर आया टेन, फिर ये वैल्यू किसको रिटर्न किया, ये इसको रिटर्न किया, कितना वैल्यू रिटर्न किया, टेन ही किया, टेन है टेन रिटर्न किया, फिर ये क्या किया, ये पी फोर को रिटर्न, पी थ्री है, पी थ्री का वैल्यू यहाँ टेन है, पी थ्री है जो पी फोर को रिटर्न किया, सिंपल। तो कैसे रिटर्न कैसे करना है, वाई का वैल्यू टेन है ना, पी टू का मतलब हम बोल रहे हैं कि वाई है, वाई का वैल्यू टेन है, मतलब पी टू का वैल्यू भी टेन हो गया, अब पी थ्री का मतलब हम बोल रहे हैं पी टू, अब पी टू का वैल्यू मेरे पास टेन है, मतलब कि पी थ्री का वैल्यू भी टेन हो गया, अब बोल रहे हैं क्या, पी फोर का मतलब क्या है, पी थ्री, P3 का वैल्यू 10 है, मतलब P4 का वैल्यू भी कितना है, P4 का वैल्यू भी 10 है, P4 का वैल्यू भी 10 है, तो Y प्लस P4 है ना, Y प्लस P4 है ना, तो Y का वैल्यू कितना है, Y का वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से 10 है, 10 प्लस P4, P4 का वैल्यू 10 है, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 20, फिर से वाई प्लस P6, P6 का वैल्यू 20 है, Y का वैल्यू 10 है, ये टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल वैल्यू हो गया 10 प्लस 20 मतलब कि 30, 10 प्लस 20 मतलब कि 30, तो आउटपुट क्या मिल गया हम लोग को, आउटपुट मिल गया 30, यही फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। अब दिमाग में एक चीज और चल रहा होगा क्या, कि अच्छा Y का वैल्यू 10 है, Y का वैल्यू 10 कैसे हुआ, Y का वैल्यू 6 था, जब यहां से हम एक्सपेंड कर रहे थे, जब इस टाइम में एक्सपेंड किए थे हम यहाँ पर, तो उस समय y प्लस पी ऑफ सिक्स किए हैं, y प्लस पी ऑफ सिक्स किए हैं, उस समय तो y का वैल्यू सिक्स है, मतलब कि उस समय तो y का वैल्यू सिक्स ही है, तो यहाँ पर भाई टेन क्यों लेंगे, हम सिक्स लेकर करेंगे, यहाँ पर क्या y प्लस पी फोर है, यहाँ पर भी हम सिक्स ही लेंगे, y का वैल्यू टेन क्यों लेंगे, सिंपल देखो, ये सिक्स नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि y है क्या, एक्चुअली y क्या है, y यहाँ पर देखो, y क्या है, एक अस्टेटिक वेरिएबल है, y क्या है, अस्टेटिक वेरिएबल है, मतलब ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, कि अस्टेटिक एरिया में और भी फंक्शन होगा जो इसके वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है, और भी फंक्शन होगा जो इसके वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है, और किया भी, इसके वैल्यू को मॉडिफाई कौन किया है, इसके वैल्यू को मॉडिफाई यहाँ पर ही हुआ ना, मॉडिफिकेशन यहाँ पर ही हुआ है ना, जब एक्स है, जो एक्स का वैल्यू ना तो टू से लेस था और ना तो फोर से ग्रेटर था, मतलब कि फोर और थ्री के लिए जो वैल्यू है पी ऑफ फोर पी ऑफ थ्री, यही फंक्शन है ना जो मॉडिफाई किया, वाई इक्वल टू वाई प्लस टू किया है, दो बार सिक्स से एट बनाया, फिर एट से टेन बनाया है,
ग्लोबल वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन उसको मॉडिफाई कर सकता है, तो बीच में हम कोई और वैल्यू कैसे लेंगे? हाँ, अगर है जो वाई लोकल वेरिएबल होता, वाई अगर पी फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता, तब उसी समय में हम वैल्यू ले सकते हैं। तब जिस समय y प्लस समथिंग करना है, यहां पर जो उस समय का वैल्यू है, उस पर्टिकुलर टाइम का वैल्यू है, उस वैल्यू को हम लेंगे अगर लोकल वेरिएबल है तब। लेकिन ग्लोबल है तो ग्लोबल के केस में उस टाइम में नहीं लेंगे। अगर कोई वेरिएबल को यूज करना है और वो ग्लोबल वेरिएबल है, जब तक प्रोग्राम एंड ना हो जाए, तब तक हम उस ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा फंक्शन है जो ग्लोबल वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। हो सकता है अभी हम कुछ वैल्यू लिए, मान लो 6 लिए होते, लास्ट में यहां पर वाई का वैल्यू 10 मिल रहा है, देख भी लिए हम लोग एग्जांपल में। यहां पर मान लो 6 ले लिए होते, यहां पर 10 मिल रहा है। अब वेरिएबल तो सेम है, वाई यहां भी है, यहां भी है, यहां पर 10 लेंगे, यहां पर 6 लेंगे, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, यहाँ रिटर्न किए थे y प्लस p ऑफ 6, तो जब तक p ऑफ 6 पहले एक फंक्शन है इसको ओवर करेंगे, फिर यहाँ पर फंक्शन है इसको ओवर किए, जब सारा फंक्शन ओवर हो गया है तब जो y का वैल्यू है 10 ये फिक्स हो गया, अब चेंज नहीं हो सकता है। अब कंफर्म हम जान लिए क्या y का वैल्यू कभी नहीं चेंज होगा। जब कंफर्म हो गए कि y का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, तब क्या करेंगे, वो जो वैल्यू y का है, y का जो वैल्यू है उसको हम ले लेंगे, फिर सब में पुट करते चले गए वापस। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से ही काम करना है, प्रोग्राम रहे, कोई भी प्रोग्राम रहे, इस तरीके से ही रन करवाना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते चलना, ठीक है। अब एक दुआ प्रोग्राम देखते हैं, इंड करते हैं इसको। तो स्टैटिक वेरिएबल्स में हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, बस एक छोटा छोटा पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं सारे क्वेश्चन के थ्रू, बस देखो आराम से, वन टाइम देखो, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इंट बी इक्वल टू 6, इंट बी इक्वल टू 6 कहाँ पर है, कोई फंक्शन के अंडर में है क्या? नहीं, अभी तक कोई फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, एक इंट वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। मतलब क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, ये क्या है मेरा, ये है b इक्वल टू 6, क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, मेन फंक्शन आया, उसके बाद एक्सटर्न इंट b, एक्सटर्न इंट b का मतलब क्या बोल रहा है, मेन के अंडर में, मेन फंक्शन में जब आए हैं तब क्या बोल रहा है, एक्सटर्न इंट b, एक्सटर्न इंट b का मतलब क्या है कि मेरे पास में b नहीं है, बाहर में जो b का वैल्यू डिक्लेयर है उसको यूज कर लो। एक्सटर्न इंट b, एक्सटर्न जो वर्ड बोल रहा है इंट b, इसका मतलब बता रहा है क्या कि मेरे पास में b नहीं है, जो ग्लोबल वेरिएबल है बाहर में जो वैल्यू असाइनमेंट पहले से है, मतलब कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल है ग्लोबल में जो है, ग्लोबल वाले वेरिएबल का जो वैल्यू है वही यूज कर लो, मेरे पास में नहीं है। एक्सटर्नल इंट b मतलब कि b है, जो एक्सटर्नल b का जो वैल्यू है उसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्रिंट f b, b को प्रिंट करना है, कितना प्रिंट होगा, बाहर में b का वैल्यू कितना है 6 है, प्रिंट करना है, कितना प्रिंट होगा 6 प्रिंट हुआ, प्रिंट f b, उसके बाद b के वैल्यू को चेंज किया, b इक्वल टू 8 किया हुआ है, b इक्वल टू 8 कहाँ पर चेंज होगा, b का 6 वैल्यू था ना, यहाँ पर ही मॉडिफिकेशन हो गया, 8 हो गया, ये भी खत्म हो गया। इसके बाद क्या है, प्रिंट f b, फिर से प्रिंट करना है, कहाँ से, बाहर से ही प्रिंट करेगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ एक्सटर्न इंट b, बाहर के वैल्यू को ही प्रिंट करना है, कितना वैल्यू है अभी 8 है, मतलब कि यहाँ पर 8 प्रिंट हो गया, यही मेरा आउटपुट हो गया इस प्रोग्राम का। एक्सटर्न कीवर्ड समझाने के लिए केवल क्वेश्चन लिखे थे, एक्सटर्न कीवर्ड लिखा हुआ है मतलब कि अंदर में ऐसा नहीं एक्सटर्न कीवर्ड है देख लिए, अच्छा एक्सटर्न भी है इसका मतलब क्या होगा सोचने लगे, नहीं, एक्सटर्न का सिंपल मीनिंग क्या है, एक्सटर्नली जो डिक्लेयर्ड है वेरिएबल उसके वैल्यू को यूज करना है, ठीक है, ये देख लिए। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहां पर क्या है, मेन है, उसके बाद एक्सटर्न इंट भी, यहां पर भी क्या बोल रहा है, जो बाहर में एक्सटर्नली जो फंक्शन ऑलरेडी एक्सटर्नली जो वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है एक्सटर्नली, मतलब बाहर में ग्लोबल वेरिएबल जो है उसको यूज करना है, ठीक है, प्रिंट एफ बी। अब जब बी को प्रिंट करने आए तो देखे क्या, एक्सटर्न बी, बाहर में जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करना है, बाहर में देखने आए, यहां पर कहां वेरिएबल है बी बताओ, है क्या कहीं, यहां पर कहीं है क्या, यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किया गया है, यहाँ क्या बोल रहा है कि बाहर में है उसको यूज कर लो, जबकि बाहर में पहले से ही डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एरर आ गया, इस प्रोग्राम में क्या हो गया, एरर आ गया अनडिफाइंड सिंबल का,
क्या है? अनडिफाइंड सिंबल। जो वेरिएबल को यूज करने जा रहे हैं वो वेरिएबल का डिफाइन ही नहीं किए हैं। जो वेरिएबल को यूज करने जा रहे हैं उस वेरिएबल को हम डिफाइन किए ही नहीं है, अनडिफाइंड हो गया, वो बी है ही नहीं डिफाइन किया हुआ। जब अंदर में मेन के अंदर में देखते हैं, बोलता है कि बाहर से ले लो वैल्यू, बाहर में कुछ है ही नहीं। यहां पर क्या था, यहां भी बोला था कि बाहर से वैल्यू ले लो, लेकिन बाहर में है डिक्लेयर्ड, बाहर में डिक्लेयर्ड था, वहां से ले लिए। समझ रहे हो बात को? यहां पर क्या है, बाहर में कोई वैल्यू है ही नहीं, कहां से लेंगे, नहीं ले सकते हैं। मतलब कि यहां पर एक एरर आ गया। इसके आगे और क्वेश्चन में क्या देखते हैं, यहां क्या है, मेन एक्सटर्नल इंट बी कहां लेना है, एक्सटर्नली जो वैल्यू है उसको लेना है। ठीक है भाई, प्रिंट एफ हाई, प्रिंट एफ हाई मतलब क्या है, क्या प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा। अब बोलो क्या कि यहां पर तो अनडिफाइंड हो गया, यहां पर कैसे प्रिंट हो गया? अरे सिंपल सोचो, यहां पर प्रिंट करना है बी के वैल्यू को, यहां पर बी के वैल्यू को प्रिंट करना है। जब बी के वैल्यू को हम देखने गए, यहां बता रहा है बाहर से ले लो, बाहर में गए बी है ही नहीं। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर भी बोल रहा है कि बाहर से ले लो, लेकिन बाहर हम देखने के लिए कब जाते हैं, जब हमको जरूरत पड़े। यहां प्रिंट करने का जरूरत पड़ा था, यहां पर क्या है, प्रिंट कुछ और करना है, प्रिंट कुछ और कर रहे हैं। हाई प्रिंट करने में एच आई हाई जो लिखा हुआ, हाई हाई प्रिंट करने में, हाई प्रिंट करने में बी का क्या जरूरत है, बी कुछ भी रहे, रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। जब डिक्लेरेशन यहां पर किया गया है, बताया गया है क्या कि एक्सटर्नल जो वैल्यू डिक्लेयर्ड है उसको यूज करो, अब बाद में इस वेरिएबल का जरूरत हमको पड़ गया, तब ना देखने गए थे बाहर, तब ना देखने गए थे बाहर, जब जरूरत नहीं पड़ गया नहीं देखेंगे, छोड़ देंगे। मतलब क्या है, यहां पर प्रिंट एफ हाई में जरूरत ही नहीं पड़ा, मतलब कि हाई प्रिंट हो गया, यही मेरा आउटपुट आ गया। ठीक, और भी देखो क्वेश्चन क्या है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब यहां पर छोटा क्वेश्चन में ऐसे लिख रहे हैं, हो सकता है कि बड़ा सा प्रोग्राम दे दे जिसके बीच में एक स्टेटमेंट एक चीज भी रहे, उस चीज को देखना है वहां पर। समझ रहे हो, एक बड़ा सा प्रोग्राम रहे जिसके बीच में कहीं कोई पर्टिकुलर चीज ऐसा दे दे, बस इसके लिए छोटा छोटा पॉइंट जो भी है बता रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू में। यहां क्या है देखो, एक्सटर्नल इंट बी, ये कोई फंक्शन है क्या, अभी नहीं कोई फंक्शन नहीं आया है, एक ग्लोबल वेरिएबल में ही बोल रहा है कि आउटर में जो डिक्लेयर्ड है उसको यूज कर लो। उसके बाद मेन फंक्शन आया, इसके अंदर में क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इंट बी, यहां भी बोल रहा है बाहर में जो फंक्शन है उसको यूज कर लो। फिर आए प्रिंट एफ बी, बी को प्रिंट करना है, अब हम लोग बी के वैल्यू को ढूंढना शुरू कर लेंगे। ठीक, बी को प्रिंट करना है, कहां गए, यहां बी के पास, यहां क्या है एक्सटर्नल, बाहर वाले को यूज करना है, यहां से हम बाहर चले गए, बाहर गए, यहां भी बोल रहा है बाहर, इसके बाहर अब कहां जाएंगे, अब इसके बाहर कहां जाएंगे, लोकल में गए तो बोला कि ग्लोबल को यूज करो, ग्लोबल में बोल रहा है, भी बोल रहा है कि बाहर से यूज करो, कहां से बाहर से यूज करेंगे, इसके बाहर कहां जा सकते हैं, प्रोग्राम यहां से ही स्टार्ट हुआ है। मतलब क्या है कि ये भी क्या होगा, ये भी एरर हो गया। समझ रहे हो बात को, इंटरनली लोकल जहां पर डिक्लेरेशन होता है, यहां भी बोल रहा है कि बाहर में ग्लोबल को यूज करो, ग्लोबल में जा रहे हैं, यहां भी बोल रहा है कि बाहर से यूज करो, कहां से यूज करेंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब कि ए एरर हो गया। इस टाइप के प्रोग्राम रहे कि अंदर में भी एक्सटर्न लिखा रहे, बाहर में भी एक्सटर्न रहे, मतलब कि और उस वैल्यू को यूज करना है। अगर मान लो यहां पर प्रिंट एफ बी ना करके यहां पर रहता प्रिंट एफ बाई, प्रिंट एफ बाई बी बाई हाई बाई, अगर बाई होता तब क्या करते, यहां पर बाई प्रिंट कर लेते, यहां बाई प्रिंट हो जाता। क्यों प्रिंट होता भाई, भाई बाई प्रिंट करने में बी का वैल्यू का क्या जरूरत है, बी का वैल्यू का जरूरत ही नहीं है। जब बी का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा तब हम बी को ढूंढने जाएंगे, जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या हुआ था, यही चीज हुआ था, यहां पर भी बोल रहा है बाहर से ले लो, बाहर में नहीं डिक्लेयर्ड है, लेकिन हाई प्रिंट करने में बी का वैल्यू का जरूरत नहीं है, कोई यूज नहीं है। जब यूज होगा, रिक्वायरमेंट होगा, तब हम बाहर में जाकर ढूंढेंगे वैल्यू को, यूज नहीं है छोड़ देंगे। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है यहां पर, क्या है यहां पर प्रिंट एफ बाई होता, अगर बी नहीं होता तब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बी को अगर प्रिंट करवाना है, बी को यूज करना है, कहीं भी यूज करना है बी को, अगर यहां पर गए, यहां बोल रहा है बाहर से ले लो, यहां भी बोल रहा है बाहर से ले लो, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, ना अंदर में दिया है लोकली ना ग्लोबली, मतलब क्या है एरर हो जाएगा इस प्रोग्राम में। ठीक, अब इसके आगे आते हैं, यहां पर क्या है एक्सटर्नल इंट बी इक्वल टू टू, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये बोल रहा है एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर से ले लो, यहां पर एक्सटर्नल का मतलब क्या बोल रहा है, बाहर से ले लो, लेकिन int b equal to 2 यहां पर वैल्यू का असाइनमेंट हो गया है।
बोल तो रहा है कि बाहर से ले लो, लेकिन फिर असाइन भी कर दिया है। तो जान लो जब वैल्यू का असाइनमेंट कर दिया जाए, एक्सटर्नल लिखा भी रहे अगर, अब वैल्यू का असाइनमेंट कर दिया जाए मतलब कि मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। यहां पर b इक्वल टू टू है जो, b इक्वल टू टू है जो बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? कहां पर बनेगा ये? स्टेटिक एरिया में बनेगा, स्टेटिक एरिया में बनेगा। एक्सटर्न लिखा हुआ रहे इसका मतलब क्या है कि डिक्लेरेशन नहीं हुआ, बाहर से यूज करना है। लेकिन एक्सटर्न में भी अगर वैल्यू का असाइनमेंट हो रहा है, अगर वैल्यू को असाइन कर दिया जा रहा है, असाइनमेंट मतलब क्या, b इक्वल टू टू असाइन कर दिया गया, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया गया। कैसे इनिशियलाइज हुआ होगा? मेमोरी तो क्रिएट करना पड़ा होगा ना, तब ना b इक्वल टू टू करेंगे। तो भले ही यहां पर एक्सटर्न लिखा हुआ है लेकिन हम लोग b इक्वल टू टू एक मेमोरी बना लिए, असाइनमेंट कर लिए, इनिशियलाइज कर लिए b को। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या, एक्सटर्न भले ही लिखा हुआ है लेकिन b का वैल्यू यहां दे दिए तो b है जो मेमोरी मेरा बन गया। अब प्रोग्राम में आते हैं, मेन एक्सटर्न इंट b, यहां क्या बोल रहा है, b का वैल्यू जो बाहर में है यूज कर लो, प्रिंट एफ b, b को प्रिंट करना, b कितना है 2 है, 2 मेरा प्रिंट हो गया। उसके बाद b इक्वल टू 4, 4 चेंज करना, यहां पर 2 है ना, यहां पर 2 है ना, इसको बना लिए 4। उसके बाद फिर से प्रिंट करना है क्या, प्रिंट एफ b, अब यहां पर 4 प्रिंट हो गया नया वैल्यू जो है। तो अगर एक्सटर्न भी लिखा रहे उसके बावजूद अगर यहां पर इनिशियलाइजेशन हो जाएगा मतलब कि मेमोरी क्रिएट हो गया है। याद रखना, एक्सटर्न वेरिएबल अगर लिखा हुआ, एक्सटर्न वर्ड अगर, एक्सटर्न कीवर्ड अगर लिखा हुआ है किसी वेरिएबल के लिए और उस वेरिएबल को किसी पार्टिकुलर वैल्यू से हम अगर इनिशियलाइज करते हैं, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि मेमोरी क्रिएट हो गया, मेमोरी एलोकेशन हो गया। हाँ, इनिशियलाइज नहीं करेंगे अगर, यहां पर ये जो है इक्वल टू टू अगर नहीं लिखते हम, तब मेमोरी नहीं क्रिएट हुआ, तब यहां पर भी एरर आता है। लेकिन यहां पर इनिशियलाइज किए हैं मतलब कि मेमोरी क्रिएट हो गया, मेमोरी का एलोकेशन हो गया है। मेमोरी का एलोकेशन होने का सिंपल मीनिंग क्या है कि यहां पर एक ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। अब जो भी अंदर में आएगा, बी को यूज करना चाह रहे हैं यहां, प्रिंट एफ बी, एक्सटर्न है बाहर वाले को यूज करना है, बाहर गए, यहां पर देखिए मेरा बी का वैल्यू है 2, यहां प्रिंट कर लिए 2 को। फिर बी के वैल्यू को चेंज करना है, कहां चेंज करेंगे, बाहर में ही चेंज कर रहा हूं कि बी अंदर में तो है नहीं, एक्सटर्न बोल रहा है, बी इक्वल टू 4 यहां पर कर लिए, इस बी को 4 बना लिए, फिर से प्रिंट किए, इसका वैल्यू 4 है, 4 प्रिंट हो गया। बस एक छोटा छोटा चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं, क्या यहां पर क्या देखो, इंट बी इक्वल टू 11 है, क्या है, बी कहां पर है, बी इक्वल टू 11 कहां पर होगा, स्टेटिक एरिया में है, फंक्शन के बाहर में है, बी इक्वल टू 11 हो गया यहां पर, ठीक है। अंदर में आया क्या है, एक्सटर्न int b, b का वैल्यू जो बाहर में है उसको यूज करना है। फिर क्या है, एक्सटर्न int b, एक्सटर्न int b, अब बोलो क्या, तीन सेम नाम का वेरिएबल के लिए, तीन सेम नाम का वेरिएबल, सेम वेरिएबल तीन बार डिक्लेयर हो सकता है क्या? हाँ, डिक्लेयर हो सकता है, मेमोरी एलोकेशन नहीं हो सकता है, सिंपल जानो। डिक्लेयर हम कितना बार भी कर सकते हैं, 3 बार नहीं, 1000 बार कर ले, 30 बार हम कर सकते हैं। एक्सटर्न इंट वेरिएबल, इंट बी है जो, ये क्या है, डिक्लेरेशन है, ये क्या है, ये जो लाइन है पूरा ये है, ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन कितना बार होगा, डिक्लेरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स, डिक्लेयर कितना बार भी कर सकते हैं, लेकिन मेमोरी एलोकेशन ओनली वंस, मेमोरी एलोकेशन एक बार करना है, मेमोरी एलोकेट एक बार ही करेंगे। सेम नाम का अगर वेरिएबल है किसी भी फंक्शन के अंदर में, मेमोरी एलोकेशन एक बार ही होगा, जान लो। डिक्लेरेशन कितना बार भी हो सकता है, यहां पर 3 बार किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। केवल वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा रहा है, इंट बी, यहां भी एक्सटर्न इंट बी, यहां भी एक्सटर्न इंट बी, डिक्लेयर किया जा रहा है। मेमोरी एलोकेट कहां किए हैं, कहां कुछ स्टोर करने बोल रहा है, कुछ स्टोर करने बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है स्टोर करने, बस डिक्लेयर किया है। डिक्लेरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है, डिक्लेरेशन है जो एनी नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन मेमोरी एलोकेशन ओनली वंस, मेमोरी एलोकेशन एक बार करना है। दिक्कत कहां पर, कंफ्यूजन होता है जब मेमोरी है, एक मेमोरी का नाम अगर बी दे दिए, एक और मेमोरी का नाम बी दे देंगे, तब ना दिक्कत आएगा कि जब बी का वैल्यू चाहिए होगा, कौन सा बी से वैल्यू लेंगे, दिक्कत वहां पर ही आएगा ना। इसलिए मेमोरी एलोकेशन एक बार ही करते हैं, सेम नाम का वेरिएबल से, सेम वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन एक बार होगा। लेकिन सिंपल देखो, अगर डिक्लेयर कर रहे हैं
दस बार बोल दे, दस बार डिक्लेरेशन कर दे, समझ रहे हो? एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में एक ही नाम को तुम दस बार बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही आदमी के लिए दस अलग अलग जगह सीट एलोकेट कर दो कि वहां भी बैठो, वहां भी। एक आदमी है, दस जगह कैसे बैठ सकता है वो, समझ रहे हो? वहां दिक्कत आने वाला है। सेम इस तरीके से ही डिक्लेरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स होगा, लेकिन मेमोरी एलोकेशन एक बार करना है, इस बात को याद रखना है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट एफ बी है, बी को ढूंढेगा, बी क्या है, एक्सटर्न बी। सब मैं क्या बोल रहा है, बाहर के बी को यूज करना, बाहर का बी कितना है, कितना है, ग्लोबल वेरिएबल कितना है, 11 है, मतलब प्रिंट कितना हो गया, प्रिंट मेरा वैल्यू 11 प्रिंट हो गया, हो गया खत्म, समझ रहे हो? मतलब क्या, एक्सटर्न कीवर्ड को किस तरीके से यूज किया जाता है, कैसे स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एक्सटर्न कैसा कैसा पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करने का, सब हम बता दिए। हम पार्टिकुलर छोटा छोटा प्रोग्राम लेकर बताए हैं, हो सकता है कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम में बीच में थोड़ा सा ऐड किया रहे और उस प्रोग्राम का आउटपुट पूछ ले और एक ऑप्शन में एरर भी दे दे, तो देख लेना है कि कहीं एक्सटर्नल वेरिएबल के चलते तो एरर नहीं आने वाला है, उसको चेक करना है कहाँ कहाँ एरर आ सकता है, कहाँ क्या दिक्कत आ सकता है, सब कुछ बता दिए हम, समझ रहे हो बात को? अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि स्टैटिक एक्सटर्न सबको मिलाकर एक जगह कर लेते हैं। अभी तक स्टैटिक वेरिएबल कहाँ हो रहा है, बाहर में जो डिक्लेयर हो रहा है, स्टैटिक कीवर्ड यूज हो रहा है, एक्स्ट्रा कीवर्ड यूज हो रहा है, जो भी कीवर्ड यूज होने वाला है सबको एक सिंगल क्वेश्चन में देख लेते हैं और इस प्रोग्रामिंग के पार्ट को ओवर करते हैं यहाँ पर, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें सारे कीवर्ड को सिंगल क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए ही, और जितना भी कीवर्ड है सारा कीवर्ड यहाँ यूज कर रहे हैं। क्या क्या कीवर्ड हम लोग देख रहे थे भाई, कीवर्ड हम लोग देखते हैं स्टैटिक के बारे में देखे हैं, एक्सटर्न देखे थे, एक और रजिस्टर है, एक और आउटो इंट है, जो भी कीवर्ड है सबको यूज करके एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और इसमें सारा का किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? एक प्रोग्राम को देखते हैं और लास्ट प्रोग्राम है, बेसिक जो प्रोग्रामिंग है यहाँ ओवर करेंगे हम लोग, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर में आएंगे, फिर कुछ डेटा स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर वहां आगे प्रोग्राम लिखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पढ़ने का यही तरीका है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर को सीखे, उसके बाद उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके कुछ प्रोग्राम लिख लिए, फिर उसके बाद फिर से कुछ नया डेटा स्ट्रक्चर देखे, उसको यूज करके फिर से नया प्रोग्राम लिख लिए, एट लास्ट है जो मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके एक प्रोग्राम लिख लेंगे, हम लोग का टोटल सिलेबस जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो इसको आराम से अच्छे से देखना है। देखो क्या है, यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से तो क्या देखेंगे, इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12। कोई फंक्शन अभी आया था क्या? कोई फंक्शन नहीं आया, मतलब क्या है, स्टैटिक एरिया में होगा, कंपाइलर करने वाला है इसका मेमोरी एलोकेशन। मतलब क्या है, यहाँ पर अगर लिखते हैं, अगर स्टैटिक एरिया यहाँ लिखते हैं, स्टैटिक एरिया लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, इंट ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 12, खत्म हो गया। दो ही वेरिएबल है, ए और बी है, ठीक। उसके बाद आते हैं मेन फंक्शन है, उसमें क्या है, आउटो इंट बी इक्वल टू 7। तो मेन फंक्शन इंट बी इक्वल टू 7 हम लोग जानते हैं ना, इंट बी इक्वल टू 7 जानते हैं ना, क्या है इंट बी इक्वल टू 7 क्या होगा, मेन फंक्शन में, मेन जो मेरा फंक्शन होगा उस मेन फंक्शन में अगर इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, यहां पर मेन फंक्शन के लिए अगर मेमोरी एलोकेशन हम करते हैं, क्या है मेन में अगर आउटो नहीं होता, मेन में इंट बी इक्वल टू 7 होता तो क्या करते, यहां पर बी इक्वल टू 7 हम लोग लिख लेते, उसके बाद इंट ए इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 4 मतलब कि ए इक्वल टू 4 वहां लिख लेते, ठीक, यही करते ना, अगर आउटो नहीं होता, आउटो है तभी वही करेंगे, आउटो है तभी वही करेंगे, सिंपल जान लो, कोई चेंजिंग नहीं होगा प्रोग्राम में, समझ रहे हो? जैसे सिंपल इंट बी इक्वल टू 7 होता, सेम आउटो इंट बी इक्वल टू 7 में भी वही काम करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। बस इसके लिए यहां लिखते हैं, लिखे हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो प्रोग्राम में आउटो इंट देखे घबरा जाओ, कुछ और गलती कर बैठो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से नॉर्मल इंट बी इक्वल टू 7 मेमोरी एलोकेशन किए हैं, मेन में स्टैक एरिया में किए हैं, ये कहां पर कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोग स्टैक में कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल है, यहां पर स्टैटिक एरिया में ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग कर लिए हैं पहले ही, ठीक। तो यहां पर एक और चीज देखो क्या है, आउटो इंट बी इक्वल टू 7 आया,
ए इक्वल टू फोर आया। उसके बाद आएंगे क्या है, सी फंक्शन इक्वल है, सी फंक्शन ऑफ कोड पर जाएंगे, सी फंक्शन ऑफ कोड यहाँ पर है देखो, ठीक यहां से यहां चले गए, यहां आए तो क्या देखिए, स्टेटिक इंट बी इक्वल टू सेवन, स्टेटिक इंट बी इक्वल टू सेवन, ये कौन कर रहा होगा, कंपाइलर किया होगा, कंपाइलर किया होगा, इंट बी इक्वल टू सेवन, बी कितना है, बी इक्वल टू ट्वेल्व यहां पर लिखे थे ना, यहां पर बी इक्वल टू ट्वेल्व लिखे है ना, तो एक स्टेटिक एरिया में सेम नाम से दो वेरिएबल हो सकता है क्या, नहीं एक ही वेरिएबल होगा, तो सबसे पहले कंपाइलर बी इक्वल ट्वेल्व यहां बनाया था, फिर जब स्कैन कर रहा होगा ऐसे, फिर स्टेटिक इंट बी इक्वल टू सेवन देखा होगा, तो बी इक्वल टू इसको ही कट करके सेवन बना लिया होगा, समझ रहे हो, पहले यहां स्टेटिक एरिया में ही ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करके वैल्यू असाइन किया गया है, फिर किसी फंक्शन के अंदर में अगर अंदर में आने के बाद में फिर स्टेटिक इंट बी इक्वल टू उसके वैल्यू को मॉडिफाई किया गया है, डायरेक्ट उसी वैल्यू को मॉडिफाई करके रुक जाएंगे, समझ रहे हो, एक काम कंपाइलर ही कर चुका है, ये अभी नहीं किए हैं, कंपाइलर कर चुका है पहले ही, पहले यहां पर क्या डिक्लेयर किया बी इक्वल टू ट्वेल्व, फिर यहां स्टेटिक इंट बी इक्वल टू सेवन हुआ, इसके वैल्यू को चेंज कर लिया, सेम वैल्यू को अलग से नहीं करना है, फिर प्रोग्राम रन कर रहा है, सी कोड में हम लोग आए, स्टेटिक देखिए समझ लिए कि पहले से किया हुआ है, उसके बाद क्या है, एक्सटर्न इंट बी, एक्सटर्न इंट ए है, एक्सटर्न इंट ए का मतलब क्या हुआ कि सी के अंडर में ए वेरिएबल नहीं है, ए कहां से यूज करना है, एक्सटर्न बाहर से ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वाले ए को यूज करना है, जब जरूरत होगा तब, जरूरत होगा तब, ठीक, उसके बाद में आए, इसके बाद कहा है रजिस्टर इंट सी इक्वल टू टू, जब सी वेरिएबल है, सी यहां पर एक फंक्शन कॉल है ना, सी फंक्शन है, अच्छा सी वेरिएबल भी ले लिए हैं, एक फंक्शन भी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सी नाम का एक फंक्शन है, मान लो ऐसा करते हैं सी को यार हटाओ डी बना लेते हैं, चलो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, सी फंक्शन को ही यहां डी बना लेते हैं, ठीक, डी मान लो फंक्शन कॉल है, यहां पर सी नहीं डी फंक्शन कॉल है, क्योंकि एक वेरिएबल भी है, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, ठीक है, डी फंक्शन कॉल हुआ, डी में यहां गए हम लोग, यहाँ एक्सटर्न इंट ए मतलब ये बाहर से यूज करना है, उसके बाद क्या है रजिस्टर इंट सी इक्वल टू टू, अगर मान लो रजिस्टर नहीं होता, रजिस्टर नहीं होता तो क्या होता, इंट सी इक्वल टू में क्या करते, डी के अंदर में, डी के अंदर में एक सी वेरिएबल बनाते सी इक्वल टू टू, यही करते ना, इंट सी इक्वल टू में रजिस्टर है तो क्या करेंगे, तभी यही करेंगे, बस चेंजिंग क्या है, ये रजिस्टर यहाँ लिखा हुआ का मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, ये समझो कि मेमोरी लोकेटेड इन रजिस्टर फॉर फास्टर एक्सेस, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक मेमोरी का ही पार्ट है जिसमें कि बहुत फास्ट ऑपरेशन होता है, रीड राइट ऑपरेशन जो भी होगा रजिस्टर में फास्ट होता है, बस यही बोल रहा है कि रजिस्टर में है लोकल ही डी के अंदर में ही आएगा, ये डी के अंदर में भी आएगा, लेकिन ये कहां पर है, रजिस्टर में है, स्टैक में नहीं होगा, रजिस्टर में है, लेकिन लोकल ही है, ठीक है, ये देख लिए, उसके समझ रहे हो, रजिस्टर लिखा रहे तो क्या करना है, स्टेटिक क्या करना है, एक्सटर्न क्या करना है, आउटो इंड क्या करना है, आउटो लिखा रहे तो यही इतना है, बस इसके बताने के लिए ही प्रोग्राम लिखे और कुछ नहीं है, कोई नया चीज नहीं है, प्रोग्राम रन करवाने के लिए तो बहुत से प्रोग्राम हम लोग देखे ही है, रन हो ही जाएगा, ठीक है, इसके आगे आते हैं, क्या है, प्रिंट एफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए बी सी तीनों का वैल्यू को प्रिंट करना है, अब यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है भाई, ए का वैल्यू एक्सटर्नली लेना है, मतलब कि एक्सटर्नली कहाँ से लेना है, ग्लोबल वाले को, ग्लोबल में कितना वैल्यू है 10 है, मतलब कि ए का वैल्यू 10 प्रिंट हुआ, ए का वैल्यू 10 प्रिंट हो गया, बी का वैल्यू कहाँ पर है, स्टेटिक एरिया में है, बी का वैल्यू स्टेटिक वाले को लेना है, मतलब कि बी का वैल्यू कितना है 7 है, बी का वैल्यू कितना है 7 है, बी भी प्रिंट हो गया, अब उसके बाद सी पर आते हैं, सी कहाँ है, रजिस्टर इंट सी, यहाँ पर देखो डी में सी बना हुआ है, सी का वैल्यू कितना है 2 है, 2 है, तो ये भी प्रिंट हो गया 2, ये मेरा क्या है, ये मेरा आउटपुट है, यहाँ पर 2 हो गया, अब क्या हुआ, डी फंक्शन यहाँ ओवर हो गया, डी फंक्शन ओवर हो गया, डी यहाँ से होकर वापस यहाँ आ गए इसके अगले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसके अगला स्टेटमेंट में क्या है, प्रिंट एफ ए कॉमा बी, प्रिंट एफ ए कॉमा बी, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, कहाँ पर है, मेन में है ना, मेन में ए का वैल्यू क्या है 4 है, बी का वैल्यू कितना है 7 है, प्रिंट एफ ए कॉमा बी 4,7 यही करना है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4,7 यही मेरा आउटपुट आ गया, ये मेरा आउटपुट हो गया,
कोई भी प्रोग्राम रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, सिंपल इतना ही समझो, इतना ही समझना है कि हर एक लाइन बाय लाइन रन करवाना है कोड को, एकदम लाइन बाय लाइन, मतलब स्टेप बाय स्टेप करना है, रन करवाना है। कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड अगर रहेगा उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ये सब कीवर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। कीवर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, गलती हो सकता है, चांसेज है गलती होने का, ठीक है। ये आउटपुट मेरा आ गया, यही ये प्रोग्राम का आउटपुट है। बेसिक जो प्रोग्रामिंग है हम लोग का, यहाँ प्रोवर करते हैं। इसके बाद हम एक डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और फिर उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके प्रोग्रामिंग करेंगे। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है भाई? तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एरे है। इतना दिन से बोल रहे थे, बहुत बार यूज किए डेटा स्ट्रक्चर में, बहुत सारा चीज बताया हुआ है उसमें एल्गो में कि एक एरे होता है। एरे क्या है? तो एक्चुअली एरे अब अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। एरे कितना तरह का देखेंगे? एक 1D एरे आएगा, उसके बाद 2D एरे आएगा, उसके बाद 3D एरे आएगा। तीनों डायमेंशन को, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, सारे तीनों डायमेंशन वाले एरे को हम लोग यहां देखने वाले हैं, ठीक है। एरे को बहुत अच्छे से देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रोग्राम बाद में लिखेंगे एरे को यूज करके। एरे क्या है? एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। एक तरह का क्या है? एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। समझ रहे बात को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरे देखते हैं अच्छे से। अभी तक जितना भी बताया है बेसिक प्रोग्रामिंग, इसको जितना भी प्रोग्राम है एक दो बार खुद से सॉल्व भी कर लेना, उसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्टली कोड को देखना और आउटपुट फाइंड आउट करके देखना, कहीं वैल्यू चेंज करके फाइंड आउट करना आउटपुट, जो एक दो बार कर लो फिर प्रोग्राम नहीं कभी भूलोगे। एक बार बस फ्लो को समझना है, खुद में कॉन्फिडेंस बस बिल्ड होना है क्या कि नहीं स्टेप बाई स्टेप करेंगे, आंसर पक्का सही आना ही आना है। बस ये कॉन्फिडेंस आ गया, अंदर से फीलिंग आ गया, मतलब ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरेज देखते हैं। और अब तक जितना भी पढ़ाया है स्टार्टिंग से, और भी सब्जेक्ट है, रिवीजन में सबको रखो। पुराना सब्जेक्ट जो पढ़ा हुआ है उसको भी रिवीजन देखते रहना है। अभी जो टॉपिक चल रहा है, इसके पहले जो टॉपिक इस सब्जेक्ट में हुआ है उसको भी, जैसे हैशिंग हो चुका है, ट्री ट्रावर्सल हो चुका है, ग्राफ ट्रावर्सल हो चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन आ सकता है। अभी प्रोग्रामिंग भी ओवर हो गया, बेसिक प्रोग्रामिंग है। अभी और भी प्रोग्रामिंग आने वाला है, अभी और भी प्रोग्रामिंग आएगा। ये बेसिक प्रोग्रामिंग है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा कैसा होता है, किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो हम लोग देख लिए हैं यहाँ पर। अभी और भी प्रोग्रामिंग आएगा आगे में, जैसे जैसे डेटा स्ट्रक्चर को आगे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे पैरेलल में प्रोग्राम भी करवाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पैरेलल में चलेगा, बेस्ट तरीका यही है। उससे क्या होगा, प्रोग्रामिंग भी समझ लोगे और डेटा स्ट्रक्चर को प्रोग्राम के थ्रू कोरिलेट करने को भी जान जाओगे। एक बार कोरिलेशन माइंड में सेटअप हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, उस पर किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे वो सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो सही है, रिवीजन करो, पढ़ाई करो सही से, चलो फिर पढ़ो आराम से।